राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देवेंद्र वर्मा आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी के साथ उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने श्रम और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बच्चों में बढ़ रही नशे की लत के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा किसी दशा में बाल श्रम को शत प्रतिशत रोकने के लिए ईंट भट्टों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार निरीक्षण किया जाए, जिससे बाल श्रम पर रोक लगाई जाए। अध्यक्ष ने बताया जनपद में 23 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। रेस्क्यू किए गए बच्चों को सरकार शिक्षा और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकांश बाल श्रमिकों में अक्सर नशे की लत भी लग जाती है, जिसे रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। में हो चाहे दुकानों में हो, चाहे ईंट भट्टों में हो, चाहे कहीं भी हो, बाल श्रम है, बाल श्रम को कड़ाई से रोका जाए। तेईस बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और अभी आगे और रेस्क्यू किया जाएगा, बच्चों को पकड़ा जा रहा है और आपको दिखाई देगा। जो अभियान हमारा चल रहा है उसमें उन्नाव भी नहीं, पूरे प्रदेश में बाल श्रम को लेके इस समय एक अभियान सा चल चुका है। हर जिले से हम पर रिपोर्ट आ रही है, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 25, और आगे इसको हम कड़ाई से चलवाते रहेंगे। कहीं ढिलाई दिखेगी तो उसको भी ठीक करेंगे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हम जारी करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT